हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीपी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ, जिसके ऊपर आज से पहले शायद ही कभी किसी का ध्यान गया होगा। आपके घर पर जब भी विद्युत मंडल का कोई भी कर्मचारी आता है, या लाइनमैन आता है, मीटर रीडर आता है, एई या जेई कोई भी अधिकारी अगर विद्युत मंडल से आपके यहाँ पर आता है, तो अपने साथ कोई पहचान पत्र या कोई ऐसा आईडी कार्ड नहीं लेकर के आते हैं जिससे कि ये मालूम पड़े कि हम विद्युत मंडल से ही हैं। क्योंकि अगर आपके घर पे कभी कोई पुलिस भी आती है तो वो सर्च वारंट या कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के आती है कि हमारे को हमको आपके घर पे सर्चिंग करने को या प्रॉपर किसी केस से रिलेटेड जो भी वो जांच करना चाहते हैं उसको लेकर के उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक परमिशन होती है कि हम इन व्यक्ति के यहाँ पर जाकर के कुछ भी मतलब जांच कर सकते हैं। वो जिस भी केस से रिलेटेड वो अगर जो भी आते हैं वो, तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का पुलिस विभाग एक मतलब बहुत बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये। तो जब उन लोगों को आने के लिए परमिशन लेना होती है तो विद्युत मंडल तो कोई उनसे बड़ा है नहीं। तो इस वजह से आप अपने अधिकारों को जानें और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि विद्युत मंडल के किसी भी कर्मचारी को बिना आईडी प्रूफ के अपने घर में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में प्रवेश ना करने दें। ये आम आदमी का अधिकार है, क्योंकि अगर विद्युत मंडल के भेष में आपके यहाँ पर कोई चोर या लुटेरा आ जाता है और आपके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए विद्युत मंडल तो जिम्मेदार होगा नहीं, क्योंकि ये गलती हमारी ही होगी कि हम किसी को कैसे पहचाने कि ये मतलब किस विभाग से है या मतलब विद्युत मंडल का है। तो इस वजह से मतलब आप थोड़ा इस चीज़ को लेकर के जागरूक रहिए और अपने अधिकारों को जानें, और विद्युत मंडल के किसी भी कर्मचारी को आप बिना आईडी कार्ड के किसी पहचान पत्र के अपने घर में ना घुसने दें। आप लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको विद्युत मंडल से कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, लगभग मेरा तो ये कहना है कि लगभग 99% लोगों को अपने अधिकार ही पता नहीं है, और उस वजह से उसका ये फ़ायदा उठा करके विद्युत मंडल आम इंसान को परेशान करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने अधिकारों को जानें। जिस तरह से विद्युत मंडल के कर्मचारी उपभोक्ता को परेशान करते हैं उसको लेकर के मैं ऐसी वीडियो बनाता रहा हूँ, और आगे मैं ऐसी और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।